नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पीछे की क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रखी थी अपनों ने, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कल अपनों ने इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो था उसको कम्प्लीटली पढ़ दिया था। और मैंने लास्ट में जाते हुए आपसे ये भी कहा था कि जो क्लास है उसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आज अपने पढ़ेंगे, उसके बाद में अपने एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसको पढ़ेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली बता देता हूँ कि कल अपनों ने जो क्लास की थी यानी इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो था उसमें अपनों ने क्या पढ़ा था। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली वे सेमीकंडक्टर होते हैं जो जिनमें रूम टेम्परेचर पर किसी प्रकार के कोई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को राइज करेंगे, बढ़ाना शुरू करेंगे, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी एनर्जी बढ़ेगी और एनर्जी प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन जो है अपना स्थान छोड़ देंगे, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, जिसके कारण जो सेमीकंडक्टर है वो करंट फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो जो अपनों ने पढ़े थे वो थे इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, जो एक ही प्रकार के मटेरियल से बने होते हैं, लाइक ए सिलिकन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड, ये अपनों ने पढ़े थे जो प्योर सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर यानी कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, और जैसे आप टेम्परेचर राइज करेंगे यानी कि तापमान को बढ़ाएंगे तो उनकी चालकता कुछ बढ़ जाती है, जिसके कारण वो चालक की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है, और इसी क्रम में अपने आगे जो हैं कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए थे, कल बोला था सिलिकन, जर्मेनियम और कार्बन जो कि एक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है यानी प्योर सेमीकंडक्टर है, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी एग्जामों में जो है इनसे संबंधित कुछ डाटा जो है वो आता है। वो एक टेबल के रूप में मैं आपको बताता हूँ, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में इस पर रिलेटेड क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट आ जाते हैं। देखो टेबल क्या है, सबसे पहले अपने सेमीकंडक्टर के नाम लिख देते हैं, या सबसे पहले अपने लिख देते हैं नेम ऑफ सेमीकंडक्टर या नेम ऑफ मटेरियल, नेम ऑफ मटेरियल, पदार्थ का नाम क्या है, उसमें पहला होगा सिलिकन, दूसरा होगा जर्मेनियम और तीसरा होगा कार्बन। इसको बोलते हैं सिलिकन, सिलिकन इसको बोलते हैं जर्मेनियम, जर्मेनियम और इसको बोला जाता है कार्बन। तीन चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, तीन चार चीज़ें हैं, वो अपने इन सभी की पढ़ देंगे ताकि किसी भी एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली जो है वो कर पाएँ। ये एक टेबल है जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हो जाएंगे इसी एक टेबल से, जो प्योर सेमीकंडक्टर है उनसे रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं सिलिकन की, तो जर्मेनियम की और कार्बन की, इनमें सबसे पहले अपने बात करते हैं इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है इनका एटमिक नंबर, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, यानी कि ये जो पीरियोडिक टेबल होती हैं उसमें किस नंबर पर आते हैं। तो सिलिकन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है, जर्मेनियम का 32 होता है और कार्बन का होता है 6। जो एटॉमिक नंबर होता है सिलिकन का वो 14 होता है, 32 होता है और कार्बन का 6 होता है। फिर बात करते हैं इनके विन्यास की, अगर इसके विन्यास की बात की जाए, सिंपली अगर पढ़ा जाए तो इसमें आते हैं फर्स्ट जो आपकी कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड जो होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन। और जिन चालकों में या जिन पदार्थों में अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं या संयोजी होते हैं उनको अपने क्या कहते हैं, अर्धचालक। इसीलिए सिलिकन, जर्मेनियम और 2, 8, 18 और 4, देखो इसकी भी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं और इसकी भी अंतिम कक्षा में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन संयोजी है, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसलिए इन सभी को क्या बोलते हैं अपने, अर्धचालक बोला जाता है। फिर अपने बात करते हैं इनकी बैरियर वोल्टता, या इसको हिंदी में बोलते हैं अवरोधी विभव, अवरोधी विभव, अवरोधी विभव क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, आगे इसको अपने डिटेल से पढ़ेंगे। अवरोधी विभव वो पोटेंशियल है जिस पर किसी भी सेमीकंडक्टर से करंट फ्लो कर जाए, यानी पोटेंशियल का वो मिनिमम मान जिससे होकर सेमीकंडक्टर क्या कर दे, करंट का फ्लो करना शुरू कर दे। और सिलिकन के लिए जो आपका अवरोधी विभव होता है वो होता है 0.7 वोल्ट, सिलिकन के लिए होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट, और इसके लिए अभी कोई स्पेसिफाई नहीं है, आप कार्बन के लिए नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद में अवरोधी विभव के बाद में मैंने आपको कल बताया था वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल, या अगर बात करें वर्जित ऊर्जा अंतराल, या अपने बोलते हैं कि एनर्जी कितनी चाहिए,
एनर्जी की बात अगर करें तो एनर्जी का मतलब ये हो गया कि कोई भी एक सेमीकंडक्टर है उसमें अपनों ने एटमिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, या फिर आपने बैंड थ्योरी जो पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि तीन बैंड होते हैं। यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, एक होता है अपने पास में कंडक्शन बैंड, बीच में जो होता है वो अपने पास होता है फॉरबिडन बैंड, और लास्ट में जो होता है वो होता है अपने पास में वैलेंस बैंड। इस प्रकार से बैंड थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं यानी वैलेंस बैंड में होते हैं वो होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जब इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दी जाएगी तो ये इस बैंड को यानी फॉरबिडन बैंड को पार करके कहाँ पहुँच जाते हैं, ये पहुँच जाते हैं कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जैसे जाएंगे तो यहाँ की सीट वैकेंट हो जाती है, यहाँ एक होल बन जाता है। सीट वैकेंट होने का मतलब यहाँ क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा, यानी कि अब आपके इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या करेगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा किसमें, इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो वो मिनिमम एनर्जी यानी ये फॉरबिडन जो गैप मैं आपको बता रहा हूँ फॉरबिडन बैंड का, ये मिनिमम कितनी एनर्जी इसको चाहिए जिससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए, तो वो एनर्जी सिलिकन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये याद रखना है आपको, जर्मेनियम के लिए कितनी होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके लिए होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा की इकाई होती है। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रकार की ऊर्जा की इकाई है। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं, देखो फर्स्ट आपने पढ़ा परमाणु क्रमांक, सेकंड आपने पढ़ा विन्यास, थर्ड आपने पढ़ा अवरोधी विभव, और फोर्थ आपने पढ़ दिया वर्धित ऊर्जा अंतराल। फिर बात करते हैं टेम्परेचर की, ताप सहन क्षमता या टेम्परेचर को कितना ये सहन कर सकते हैं, तो सिलिकन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर सकता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका होता है 75 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आपका कार्बन होता है इसका लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तापमान, और कार्यकारी तापमान जो होता है कार्बन का वो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कार्बन की अगर कार्यकारी तापमान की बात करें तो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि सिलिकन जर्मेनियम और कार्बन में से सबसे ज़्यादा यूज किसका किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग पढ़ेंगे आगे जाके डायोड, ट्रांजिस्टर, FET, MOSFET, जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो सिलिकन का किया जाता है, और सबसे कम जो यूज किया जाता है वो गैलियम का किया जाता है, जर्मेनियम। दो ही आपको सेमीकंडक्टर मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सिलिकन और जर्मेनियम। सिलिकन का यूज इसलिए ज़्यादा किया जाता है क्योंकि एक तो सिलिकन जो है उसकी टेम्परेचर सहन क्षमता क्या है, ज़्यादा है, सिलिकन की टेम्परेचर सहन क्षमता ज़्यादा है। दूसरा, सिलिकन के अंदर कक्षाओं की संख्या कम है, यहाँ पर आप देखोगे तो कक्षाओं की संख्या क्या है, ज़्यादा है, इसलिए जो आपका जर्मेनियम जो होता है उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज किसका करते हैं, अपने सिलिकन का करते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ताप सहन क्षमता क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो अपने बात करते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, काफ़ी सारे एग्जाम ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है इसके लिए, या फिर ये क्वेश्चन इसके लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आपके जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट सेमीकंडक्टर यानी कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, दूसरा जो सेमीकंडक्टर अपने पढ़ना है उसकी बात करते हैं। दूसरा जो सेमीकंडक्टर है वो आपके पास है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, आज अपने उसकी बात करेंगे कि एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, या इसी को बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इसी को बोला जाता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, या फिर इसी को बोला जाता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर इसको क्यों कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये आती है इसे इम्प्योर क्या कहते हैं, और इम्प्योर कहते हैं तो इम्प्योरिटी मिलाने का कारण क्या है इसके अंदर। देखो सबसे पहली बात तो है, अगर इसकी फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह यानी कि जो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर होंगे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर होंगे, यह प्योर सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाकर
इम्प्योरिटी मिलाकर बनाए जाते हैं। यानी ये जो सेमीकंडक्टर होंगे इन्हें प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाकर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, जैसे अपने सपोज करते हैं कि ये आपके पास में सिलिकन है, ये आपके पास में क्या है, सिलिकन है। यदि इस सिलिकन के अंदर, इस सिलिकन के अंदर आप इम्प्योरिटी मिला दो, इम्प्योरिटी मिला दो यानी कि अशुद्धि मिला दो, अगर आप लोग सिलिकन या जर्मेनियम, या जर्मेनियम भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, एग्जांपल के लिए मैं सिलिकन ले लेता हूँ, इसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी मिला दो, ये इम्प्योरिटी जो है ये क्या होते हैं, इम्प्योरिटी कुछ नहीं है, ये भी कुछ ना कुछ तत्व होते हैं जिनकी सहायता से आप लोग हैं, आप लोग जो सेमीकंडक्टर हैं उनकी चालकता को बढ़ा सकते हो। इम्प्योरिटी मिलाने का कारण क्या होता है, उसकी कंडक्टेंस को बढ़ाना। तो कंडक्टेंस बढ़ाएंगे कैसे आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको होल्स की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है, जिस कारण सिलिकन में किसी प्रकार की करंट फ्लो नहीं करती है। अगर इन दोनों में से यानी इलेक्ट्रॉन और होल में से किसी एक की संख्या बढ़ा दी जाए, किसी भी एक की संख्या बढ़ा दी जाए तो इस सेमीकंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर जाएगा, या अपने ये कह सकते हैं कि ये सेमीकंडक्टर चालक बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो इम्प्योरिटी मिलाने का कारण क्या हुआ, हो गया या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा करो, या किसकी संख्या ज़्यादा करो, होल्स की संख्या ज़्यादा करो। यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बढ़ाने के लिए जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं उनके अंदर इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, और ये इम्प्योरिटी जो है इसको अपने दो प्रकार से हो सकती है, या तो ये ट्राइवेलेंट हो सकती है या पेंटावेलेंट हो सकती है, ठीक है। जैसे ही अपनों ने अशुद्धि मिलाई इसके अंदर, तो आपके पास यहाँ जो मटेरियल बन जाएगा अब इन दोनों से, यानी कि इन दोनों के एडिशन से, इम्प्योरिटी और सिलिकन के एडिशन से आपका जो बनेगा वो बनेगा इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। थोड़ा इजीली पढ़ते हैं, देखो ये आपके पास इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी में क्या हो सकता है, या तो त्रिसंयोजी हो सकती है, त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइवेलेंट, या ये इम्प्योरिटी आपकी हो सकती है पंचसंयोजी, पंचसंयोजी, पंचसंयोजी को इंग्लिश में बोला जाता है पेंटावेलेंट, पंचसंयोजी को इंग्लिश में बोला जाता है पेंटावेलेंट। इम्प्योरिटी प्लस, इम्प्योरिटी प्लस प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सिलिकन या जर्मेनियम, यानी कि प्योर सिलिकन या जर्मेनियम में इम्प्योरिटी मिला दी जाए तो आपके पास जो सेमीकंडक्टर बनता है वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, या तो होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, और या कौन सा होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये दोनों ही पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये दोनों ही किसके एग्जांपल है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि जो कि त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्वों के रूप में होती है, मिलाकर इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर। और ये मिलाने का कारण क्या होता है, आपको पता है जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर स्टार्टिंग के अंदर जब आप इसमें किसी प्रकार का कोई भी टेम्परेचर राइज नहीं करते हो तो ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, ये करते हैं नॉन कंडक्टिव मटेरियल, यानी कि प्रतिरोधी पदार्थ, या सीधा ऐसे कह सकते हैं इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। अब इनके इंसुलेशन के गुण को कम करने के लिए, यानी इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, इसमें या तो त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाओ या पंचसंयोजी पदार्थ मिलाओ। त्रिसंयोजी पंचसंयोजी मिलाने का कारण ये होता है कि प्योर जो सेमीकंडक्टर होंगे, प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं, इन दोनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इस मटेरियल में से कोई करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप लोग इस मटेरियल में या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा दो या होल्स की संख्या को बढ़ा दो तो क्या बन जाएगा आपके पास में, एन टाइप और पी टाइप बन जाएगा। ऐसा होने के बाद में इस सेमीकंडक्टर से धारा प्रवाह संभव हो जाएगा, यानी करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आप इसमें क्या मिलाएंगे, त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे तभी ये चीज़ पॉसिबल है, अन्यथा ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए ये त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी अशुद्धियाँ जो है ये सेमीकंडक्टर में मिलाई जाती है, ठीक है। तो अब अपने बात कर लेते हैं कि
ये जो मटेरियल है ये एक तरीके से कुछ कंडक्टिव मटेरियल की तरह व्यवहार करते हैं जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। और अभी अभी मैंने आपको बताया इम्प्योर सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के। तो दो टाइप के जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो कौन कौन से हैं, उन दोनों की अपने बात कर लेते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो भाई, अच्छा ये तो अपनों ने बात कर ली कि जब आप प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाओगे तो आपके पास इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। उससे पहले एक छोटी सी प्रोसेस है उसको और पढ़ देते हैं, जिसको बोला जाता है डोपिंग, और हिंदी में इसको बोला जाता है मादन। हिंदी में बोला जाता है इसको मादन। डोपिंग याद रखना है आपको, इंग्लिश का वर्ड याद रखना है, इजीली याद हो जाएगा डोपिंग। देखो भाई, डोपिंग क्या होता है, सबसे आसान परिभाषा, डोपिंग जो है शुद्ध अर्धचालक में शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। और इसका कारण क्या होता है, अशुद्धि मिलाने का कारण क्या है, अशुद्धि मिलाने का जो कारण है अर्धचालक की चालकता को बढ़ाना, अर्धचालक की चालकता को बढ़ाना, यानी कि अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए उसकी क्या की जाती है, डोपिंग की जाती है, ठीक है। और डोपिंग जो होती है, डोपिंग यानी कि चालकता, जो अर्धचालक की पदार्थ की चालकता है, अर्ध ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्धचालक पदार्थ की चालकता डोपिंग के स्तर पर डिपेंड करती है, डोपिंग के स्तर पर निर्भर करती है। यानी कि कितना इस प्योर सेमीकंडक्टर की, जैसे मान लो प्योर सेमीकंडक्टर है आपके पास सिलिकन या जर्मेनियम, ये सिलिकन या जर्मेनियम है, इसमें आपने क्या मिलाया, इसमें आपने मिलाए पेंटावेलेंट या त्रिसंयोजी। पेंटावेलेंट को बोलते हैं पंच संयोजी, यहाँ पांच लिख देता हूँ मैं और यहाँ लिख देता हूँ तीन, पंच संयोजी और त्रिसंयोजी इम्प्योरिटी जब आपने इसको मिलाई तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, ये प्रोसेस क्या कहलाया डोपिंग कहलाया, ठीक है। तो ये बनने वाला जो मटेरियल है ये कितना कंडक्टिव होगा, कितना चालक होगा, ये डिपेंड करेगा इस डोपिंग पर। और इस डोपिंग के तहत आप क्या कर रहे हो, इस डोपिंग के तहत आप इसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हो या क्या बढ़ा रहे हो, होल्स बढ़ा रहे हो। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो कम कंडक्टिव मटेरियल है, अगर आप इलेक्ट्रॉन बहुत सारे बढ़ा दोगे यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छा चालक बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की चालकता जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, डोपिंग के स्तर पर डिपेंड करेगी। सिलिकन में अगर ज़्यादा डोपिंग करेंगे तो चालकता ज़्यादा है, अगर डोपिंग कम करेंगे तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस डोपिंग के प्रोसेस के बाद में ही एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर जनरेट होते हैं, बनते हैं। अब अपने पढ़ लेते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। ये एक प्रोसेस था, बीच में जरूरी था पढ़ाना क्योंकि कई बार इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि डोपिंग क्या होता है और मादन क्या होता है। अब डोपिंग अपनों ने पढ़ ली, उससे पहले एक चीज़ और छोटी सी है वो भी पढ़ लेते हैं। डोपिंग करने के लिए अपनों ने पढ़ी इम्प्योरिटीज़, अशुद्धियाँ। यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, अशुद्धियाँ और बता देता हूँ, अशुद्धियाँ यही लिख देते हैं अपने, जो अशुद्धियाँ हैं यानी जो आप अशुद्धियाँ मिला रहे हैं, जो पदार्थ अशुद्धियों के रूप में यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दो प्रकार के पदार्थ बताए मैंने अशुद्धियों के रूप में, पहले आपको मैंने बताए ट्राई वैलेंट, इनको हिंदी में बोलते हैं त्रिसंयोजी, यानी इन पदार्थ की संयोजकता तीन होगी, अर्थात इनकी अंतिम कक्षा में तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर होते हैं पंच संयोजी, इनको बोलते हैं पेंटावेलेंट या हिंदी में बोलते हैं पंच संयोजी, हिंदी में बोला जाता है पंच संयोजी। त्रिसंयोजी या पंच संयोजी इम्प्योरिटीज कौन सी होती है ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये देखो भाई। चलो इसको अपने अलग से ही पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डोपिंग आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब दो प्रकार की अशुद्धियां अपने पास हैं, उन दोनों को अपने पढ़ देते हैं।
देखो भाई, इम्प्योरिटीज़ यहाँ लिख देता हूँ मैं, इम्प्योरिटीज़ इम्प्योरिटीज़ या अशुद्धियाँ जिनको अर्धचालक पदार्थों में मिलाया जाता है, ये इम्प्योरिटीज़ है और अशुद्धियाँ हैं। बेसिकली दो टाइप की इम्प्योरिटीज़ पड़ते हैं अपनी। फर्स्ट हैं आपके पास में पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट, चलो ट्राई वेलेंट, इस ट्राईवेलेंट को क्या बोलते हैं, त्रिसंयोजी। ट्राईवेलेंट को ही क्या बोलते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि, त्रिसंयोजी अशुद्धि। दूसरी जो आपके पास होती है उसको बोलते हैं पेंटावेलेंट, और पेंटावेलेंट को बोलते हैं पंच संयोजी, पंच संयोजी। इनकी जो संयोजकता होगी, इनकी संयोजकता कितनी होगी, तीन होगी, यानी इनकी अंतिम कक्षा में तीन आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इनकी जो संयोजकता होगी, इनकी जो संयोजकता होगी वो होगी पाँच, इनकी संयोजकता कितनी होगी, पाँच, यानी कि इससे ज़्यादा। इनके बीच में कौन आते हैं जिनकी संयोजकता होती है, चार, और चार किसकी होती है, अर्धचालक पदार्थों की, यानी कि चार अर्धचालक पदार्थ होंगे, तो अर्धचालक पदार्थ की संयोजकता चार है, तो आपको इम्प्योरिटी ऐसे मटेरियल की लेनी है जिसकी संयोजकता अर्धचालक से या तो एक कम हो या एक ज़्यादा हो। यानी अपने ये कह सकते हैं कि इसमें एक होल इससे ज़्यादा है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चार से ज़्यादा है। देखो यहाँ चार आपके पास इलेक्ट्रॉन है और यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हो गया कि तीन तो बंद बना लेंगे लेकिन एक होल यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। उधर अगर अपने देखें तो चार इलेक्ट्रॉन है, उधर पाँच है, तो चार के साथ बंद बढ़ जाएंगे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। समझ में आ गई बात, ये तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम है तो ये इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साझा करेगा। थोड़ा समझ लेते हैं इसको, साझा कैसे करते हैं। देखो त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी जो हैं उसमें सांझे की बात आती है, वो क्यों पढ़ते हैं अपने। देखो जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, वो एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, जैसे कुछ नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ट्राईवेलेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं आपके पास में, ट्राईवेलेंट में आपके पास सबसे पहले आता है त्रिसंयोजी, इसमें आते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आप इससे याद रख सकते हो इसको। ये होता है बोरोन, ये होता है बोरोन, ये होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ये होता है गैलियम, और ये होता है इंडियम, इंडियम, और ये होता है थोरियम, थोरियम, ये होता है थोरियम। इसी प्रकार ये जो सारे पदार्थ हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये ट्राईवेलेंट हैं। अगर इसकी बात करें अपने, तो इसकी जो परमाणु क्रमांक है वो पाँच है, इसका होता है 13, इसका होता है 31, इसका होता है 49, और इसका होता है 81। 5, 13, 31, 49, 81, ये इनके परमाणु क्रमांक होते हैं। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है, एल्यूमिनियम का 13 है, गैलियम का 31 है, इंडियम का 49 है, और थोरियम का 81 है। सिर्फ आपको ट्राईवेलेंट को याद रखना है, पेंटावेलेंट इन्हीं से अपने आप आ जाएंगे। देखो ट्राईवेलेंट आपको याद रखना है, पेंटावेलेंट का जो संयोजी होगा या इनकी जो परमाणु क्रमांक होगा वो अपने आप वहां आ जाएगा। पेंटावेलेंट कौन कौन से होते हैं, देखो पेंटावेलेंट अपने पास होते हैं, सबसे पहले होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। अगर याद रखना चाहो तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके या भागे, कुछ भी हो सकता है। देखो इनकी संयोजकता तीन है और इनकी संयोजकता पाँच है, यानी इनकी इनसे सिर्फ दो संयोजी ज़्यादा है, दो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है। तो इसी प्रकार में यहाँ पर जो आपकी परमाणु क्रमांक है वो कितना है, पाँच है, तो दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, सात, इसका कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि 13 में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 31, 31 में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33, यानी 33, 49 में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51, और 81 में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 83, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि पेंटावेलेंट के जो पदार्थ होंगे उनका उनका परमाणु क्रमांक जो है वो यहीं से मिल जाएगा आपको, क्योंकि इनसे दो ज़्यादा ही होते हैं वो,
उनसे दो कदम छोड़कर ही आपका, यानी देखो पहले ये आते हैं तीन नंबर पर, चार नंबर पर अर्धचालक आते हैं और पाँच नंबर पर वो आ जाते हैं, तो दो कदम छोड़कर आपके पेंटावेलेंट आपको मिल जाते हैं। तो पाँच से दो जाएंगे तो नाइट्रोजन आएगा, एल्यूमिनियम से दो जाएंगे तो आपका फास्फोरस आएगा, गैलियम से दो जाएंगे तो आर्सेनिक आएगा, और इंडियम से दो जाएंगे तो एंटीमनी आएगा, और थोरियम से दो जाएंगे तो कौन आएगा, बिस्मित आएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपने, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये हो गया फास्फोरस, फास्फोरस ये हो गया आर्सेनिक, आर्सेनिक ये हो गया एंटीमनी, एंटीमनी और ये हो गया बिस्मित, बिस्मित। याद रखना है आप सभी को, ये जो आपको मैंने बताए बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थोरियम, ये सारे ट्राइवेलेंट हैं, त्रिसंयोजी हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मित, ये सारे पंचसंयोजी हैं। ठीक है, अब देखो त्रिसंयोजी अशुद्धियां जो होती हैं उनके लिए आपको एक याद नाम याद रखना है, त्रिसंयोजी अशुद्धियों को बोलते हैं ग्राही अशुद्धियां। क्या बोलते हैं? ग्राही अशुद्धि, ग्राही अशुद्धि इसको बोलते हैं। ग्राही अशुद्धि क्यों बोलते हैं इसको मैं बता दूंगा आगे। ग्राही को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, इंग्लिश में आप लिख सकते हो कहीं पे भी। और इसको बोलते हैं दाता अशुद्धि, इसको बोलते हैं दाता अशुद्धि या डोनर इम्प्योरिटी, दाता अशुद्धि। क्यों? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये दान कर सकता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अर्धचालकों से कम है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं ग्राही अशुद्धि और इसको बोला जाता है दाता अशुद्धि। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, इम्प्योरिटीज दो प्रकार की होती है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट वो होती है जिनकी संयोजकता तीन होगी, पेंटावेलेंट वो होगी जिनकी संयोजकता पाँच होगी। ट्राइवेलेंट को बोलते हैं ग्राही यानी कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, और पेंटावेलेंट को बोलते हैं दाता यानी कि डोनर अशुद्धि। ठीक है, यानी डोनर इम्प्योरिटी। संयोजकता इनकी तीन है, पंचसंयोजी की पाँच है। कौन कौन से आते हैं? बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थोरियम। फिर आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मित, यानी कि एन पी ए एस और एस बी और बी आई। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था इनका परमाणु क्रमांक उनसे दो कम है और इनसे दो ज़्यादा होगा, किसका? पंचसंयोजी का। तो पाँच से नाइट्रोजन का दो ज़्यादा, सात, फिर एल्यूमिनियम से दो ज़्यादा, फास्फोरस का 15, 31 किसका है? गैलियम, गैलियम से दो ज़्यादा यानी कि 33 आर्सेनिक का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये आपको याद हो जाएंगे। और जो अशुद्ध इम्प्योरिटी, अशुद्ध जो सेमीकंडक्टर है वो इन्हीं के मिलावट से शुद्ध, अगर शुद्ध सेमीकंडक्टर में ये मिला दिए जाए तो अशुद्ध सेमीकंडक्टर आपके पास क्या हो जाते हैं? निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो कंप्लीट हो गई। देखो अपनों ने पढ़ दिया इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, डोपिंग क्या होती है और इम्प्योरिटी क्या होती है। यानी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाएंगे, कौन कौन सी इम्प्योरिटी? ट्राई और पेंटा, तो आपके पास क्या मिल जाएगा? इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? डोपिंग। डोपिंग भी अपनों ने पढ़ा दिया, डोपिंग क्यों ज़रूरी है और डोपिंग का कारण क्या है, और डोपिंग जो होता है उसका स्तर क्यों ज़रूरी होता है, कम या ज़्यादा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका जो रह जाता है वो है टाइप ऑफ इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब टाइप ऑफ इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। ये जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसको अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।